बताऊंगा ताजमहल के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताऊं कि आप मेरे चैनल में अगर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक व्हाइट का पेपर लिया है, यहाँ पर मैंने पेंसिल, इरेजर, ग्लिटर अगर आप चाहें तो ले, और यहाँ पर मैंने स्केल लिया है। सबसे पहले ताजमहल को बनाने के लिए हम ऐसे स्केल रखेंगे और लगभग इतनी दूरी से हम इस तरह से एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम नीचे की तरफ से भी वैसे ही करके लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम स्केल को यहाँ पर रख के हम इन दोनों लाइंस को अटैच करेंगे। उसके बाद हम इधर से और इधर से दोनों की तरफ से स्मॉल मतलब इतना और यहाँ से इतना हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और इस तरफ से भी हम एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद हम ये पोर्शंस को हम ऐसे यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे और पतले पतले लाइन करके हम इसके स्टेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टेयर्स बना दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ से थोड़ी दूरी करके मैं इस तरह से ऊपर की तरफ एक लाइन लगाऊंगा और यहाँ से यहाँ तक थोड़ी दूरी छोड़ के मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पर रेक्टेंगल काट कर यहाँ पर स्लैंटिंग लाइन दोनों तरफ से करके मैंने और एक ठो पिलर बना दिया है। तो इसके बाद हम करेंगे कि इस जगह से लेकर हम इस जगह से इस जगह तक हम ऐसे करके एक दरवाजा बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इसके बाहर से भी स्केल से लाइन खींच के और एक ठो ऐसे बना दिया है। तो अब हम करेंगे कि इसके अंदर से हम स्केल से एक लाइन खींचेंगे इस तरह से और फिर हम इधर जैसे इधर हमने किया है वैसे ही हम इधर भी एक लाइन खींचेंगे और इधर भी हम एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद हम इन दोनों को यहाँ पर से जोड़ देंगे। तो अब मैं यहाँ पर जैसे मैंने इस तरफ से किया है वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे इस तरह से और फिर इस तरह से और फिर यहाँ पर हम स्केल से लाइन खींचेंगे। और फिर इस तरह से लेकर और यहाँ पर भी हम वैसे ही करके बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर इससे यहाँ जैसे मैंने इस तरफ किया है वैसे मैंने इस तरफ भी कर लिया है। तो अब मैं स्केल और पेंसिल लूंगा और इस वाली जगह से
मैं एक रेक्टेंगुलर बनाऊंगा। तो यहाँ पर इस तरह से मैं एक छोटा सा ऐसे लंबा करूंगा और इस तरफ से भी मैं वैसे ही करूंगा। उसके बाद मैं इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दूंगा और इसके बाद मैं इसके अंदर और एक रेक्टेंगुलर करूंगा। तो मैंने इसके अंदर और एक रेक्टेंगुलर कर दिया है। तो इसके बाद मैं इधर से इधर और यहां से इधर तक मैं और दो छोटे रेक्टेंगुलर्स करूंगा। तो इस तरह से करके इधर तक और इधर से लेकर इधर तक। तो अब इधर से मैं इस तरह से और एक लाइन लगाऊंगा और इधर से भी मैं वैसे ही करके लाइन लगाऊंगा। उसके बाद हमें करना है कि ऐसे हम एक लगाएंगे जैसे हमने इधर किया है और इस तरफ भी हम वैसे ही करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर दो गम्बूज कर दिए हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का डिजाइन बनाऊंगा। उसके बाद ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर भी एक बड़ा सा बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ऐसे करके जैसे मैंने इधर डिजाइन बनाया था वैसे मैंने यहाँ पर डिजाइन बना दिया है। तो अब लास्ट में मैं बनाऊंगा खंबे जो यहाँ पर दो तरफ से होंगे। तो सबसे पहले मैं इधर से थोड़ा स्लैंटिंग लाइन में मैं करूंगा और फिर इस तरफ से भी मैं थोड़ा स्लैंटिंग लाइन से करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींचूंगा और इधर से भी ऐसे करके मैं लाइन खींच के सभी को डिवाइड करूंगा। तो यहाँ पर मैंने ऐसे एक खंभा बना दिया है। तो इस तरफ से भी मैं वैसे ही करके एक खंभा बनाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दोनों खंभों को बना दिया है और हमारा ताजमहल रेडी है। तो अब मैं यहाँ पर सिल्वर कलर का ये ग्लिटर लूंगा और यहाँ पर इन सब के आउटलाइंस निकालूंगा। तो मैंने यहाँ पर सिल्वर को ताजमहल के बॉर्डर में कर दिया है। तो बाकी बचे हुए जगह को मैं ये गोल्ड से करूंगा। तो ऐसे करके मैंने गोल्ड को यहाँ पर लगा दिया है। तो ऐसे ही करके हमें इन सब जगह को लगाना है। तो यहाँ पर मैंने गोल्ड से कर लिया है और बाकी जो ये दो खंभे बचे हैं इसे मैं सिल्वर से कलर करूंगा। तो
ये था आज का ड्राइंग और आज का वीडियो। तो आपको ये ड्राइंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलता हूँ एक अगले नए और मजेदार ड्राइंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।